कहाँ चलेंगे मूवी देखने के लिए? ओहो, आप लोग सोच रहे होंगे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन नहीं दिखाया होगी क्या? तो नहीं नहीं पहले रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, फिर हम चलेंगे मेरे सपनों की दुनिया में। बिल्कुल जैसी जिंदगी जीने के सपने देख रही थी, वो जिंदगी को जीना शुरू तो कर दिया है, लेकिन आप लोग भी अगर जीना चाहते हो तो ये मेरे लिए तो ज्वेलरी बिजनेस है सबसे अच्छा रास्ता। अगर आप भी करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर आप डीएम करके ज्वेलरी कोर्स बैच में ज्वाइन होकर घर बैठे ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आए थे आज 3-2 मूवी देखने के लिए, लेकिन उससे पहले घर पे हमने सेलिब्रेट किया था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की थाली वाली तो मैंने सब कुछ बढ़िया से सजा ली थी, मैंने अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए भी ना एक भाभी वाली और भाई वाली राखी बना ली थी कि यार हम लोग हाँ सुना सुना रहे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे अनमोल कनिका की रक्षाबंधन की स्पेशल तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच में अभी ये दोनों तैयार नहीं हुए, इनकी थाली वाली सच की रख दी। आज मुहूर्त जो है ना बहुत लेट से है, करीब 1:30-2 बजे के आसपास है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं ना सारे जो मेरे ऑर्डर्स आ रखे हैं उनको पूरे कर लेते हैं। और नाश्ता वास्ता हो चुका था, नाश्ते में मैंने भिंडी का भुजिया और रोटी बनाया था आज, और सिंपल सिंपल सा ही खाना खाए थे क्योंकि मिठाइयाँ बहुत सारी खानी थी। और ये मैं फिर ना लग गई थी अपने कस्टमर के ऑर्डर लेने में। और ये ऑर्डर्स पता है ऐसा था कि यहाँ से मैंने सबको सैंपल्स भेजे थे, ये है ऐसे है जाओ जो बनाना है सिलेक्ट कर लो। और ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए थे जब मैं मूवी देख के इंटरवल पे निकली थी, मतलब काम 1% भी डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, मतलब 2 पैसे का नुकसान भी नहीं किया मैंने और मूवी भी देख ली। तो यहाँ मैंने सारे सुबह के पार्सल पैक कर दिए थे, ये सारे पार्सल आज डिस्पैच कर देने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वेट है। तो ये ना मेरे हस्बैंड पहले आज ये 3 ले जाएंगे और बाकी के 3 रह रहे हैं वो कल ले जाएंगे। आज सिर्फ 3 पार्सल इसलिए क्योंकि रक्षाबंधन भी है, पता नहीं ऑफिस खुला है कि नहीं है, तो मैंने कहा पहले कम ही ले जाओ, टाइम भी नहीं है कि इतने सारे पैक कर सकूं, तो लेके जाओ देखते हैं क्या है। फिर गए तो पता चला कि यार वहां तो हो रहा था डिस्पैच सारे, फिर अफसोस हुआ कि यार सारे पार्सल भेज दिए रहते, चलो कोई बात नहीं अगले दिन भेज देंगे बाकी के पार्सल। फिर मेरा वेट मशीन भी आ रखा है तो मैंने कहा आज रक्षाबंधन से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है, तो आज इसको ट्राई भी कर लेते हैं। तो आज ही हमने इसका उद्घाटन भी कर लिया अपना बढ़िया से आज। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये सुबह का क्लिप थोड़ा सा मैंने अभी लगाया जब मैं रोटी बूंदी का भुजिया और बच्चों के लिए पानी उबाल रही थी। अभी मैं पानी ना उबाल के रखती हूँ बच्चों के लिए, जिसको कि मैं ठंडा कर देती हूँ, ठंडे पानी में रख देती हूँ ऐसे पतीले को, और फिर उनको देती हूँ। जब तक फ़िल्टर नहीं लग रहा तब तक यही काम कर रहे हैं, और जैसे जिस दिन टाइम मिलेगा जाके फ़िल्टर लगा लेंगे। आज मूवी देखेंगे, 3-2 मूवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार 3-1 देखा था हमने, लेकिन आज पता है क्या हुआ मूवी देखते देखते एंड में कुछ ऐसा हुआ है कि मूड ऑफ हो गया, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसी व्लॉग में। फिलहाल है बहुत सुंदर सी राखी ब्रेसलेट मैंने जो अपने लिए बनाई थी, इसके साथ में मेरी कस्टमर की ज्वेलरी जो बहुत सुंदर बनी है ना, बहुत क्यूट लग रही थी। एंड नथ है क्योंकि महाराष्ट्र का ऑर्डर है, महाराष्ट्र में नथ पहनते हैं ना, तो नथ में मैंने ऐसे मतलब जो माला होती है ना लेयर्स लॉरियल्स वाली, वो भी लगाई है। बाकी अगर वो कस्टमर ऐसे पहनना पसंद करेंगे तो ऐसे हटाना चाहेंगे तो उसको हटा भी सकते हैं। लड्डू सो गई थी इस वजह से मैंने ना ये शूट्स कर लिए अपने, और फिर मैं वापस आके लग गई थी बच्चों की रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए। तो मैंने अपने और अपने हस्बैंड की राखी एक दूसरे को तो बांध लिए थे। आप लोग भी कहोगे एक दूसरे को क्यों बांध लिए क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई है नहीं बांधने वाला, इसलिए उन्हें बांध लिए, और इन दोनों के पास है। और वो आपने गाना सुना होगा ना, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी होती है बहना, ऐसा कुछ है ना गाना, जिसकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले, हाँ ये गाना है। तो चलो भैया, भाई किस्मत वाले की भैया बहना है और बहना किस्मत वाले की भैया है, और दोनों ने एक दूसरे की राखी वाखी बांध लिया और थू 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 नज़र न लगे, इन दोनों की तबीयत बड़ी जल्दी बिगड़ती है, मौसम भी ऐसा है, लेकिन आज मेरा लग रहा है थोड़ा बिगड़ेगा क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा ही गर्म होके पानी पी लिया, ऐसा कुछ सरद गर्म टाइप का ऐसा होता है तो लग रहा है, बट कोई ना। और हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में बहुत सारे मेरे हस्बैंड फूल ले आए थे, बोले कि इसी पे तुम राखियों को सजा सजा के रख देना अच्छा लगेगा। मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ चलता है, चलो कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही सजा दिया था जैसे उन्होंने बताया। फिर नारियल है, और दोनों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ बनी रहे, एक दूसरे के साथ बने रहे। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरा राखी मैं क्यों नहीं गई, सोच नहीं रहोगे, कल बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि आप क्यों नहीं गए, मुझे तो लगता है आप 2-3 साल से नहीं गए हो, कोई कह रहा है कि आप गए ही नहीं हो। अरे भाई मैं मायके से ही आई हूँ, गई कैसे नहीं हूँ, और कई बार गई हूँ, इधर टाइम नहीं मिल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि हमारी आप काम देख रहे होंगे ज्वेलरी का काम है सारी चीज़ें, और थोड़ा टफ पड़ता है। और बहन हम लोग मतलब 2 बहनें हैं, तो एक के घर पे नज़दीक है तो वहाँ तो चले जाते हैं सभी, बट मेरा थोड़ा दूर पड़ता है तो वो लोग भी नहीं आते और मैं भी नहीं जा पाती हूँ, बस यही रीज़न है कि बहुत दूर है इसलिए हम लोग नहीं जा पाते हैं, और ना वहाँ से कोई आ पाता है।
तो कोई नहीं, हमने राखी भेज दिया था, मेरा राखी पहुंच भी चुका है, सबने बांध भी लिए हैं, मैंने शॉर्ट्स में शेयर भी किया है और इसके साथ ही मुझे रखबंधाई भी मिल गई है मेरे भाई की तरफ से। और मेरे रखबंधाई लेने के बाद ही मैं अपने बच्चों की राखी सेलिब्रेट कर रही हूँ, इस टाइम पे आ चुका था। और यहाँ पे हाँ थोड़ा सा ना राखी बांधने के वक्त मैं कही कि तो तुम सामने सामने बैठो कि सही से हो पाए, और जिधर साइड अनमोल अभी बैठा है ना इधर साइड ही सारा पूजा पाठ वगैरह हम लोग करते हैं, तो पूरब की साइड मुँह करा के मैंने फिर उसको पूरा आगे का तैयार सारी चीज़ करी। मैंने कहा वीडियो ज़रूरी नहीं है, पहले सारा काम प्रॉपरली हो जानी चाहिए, जैसा दिशा जैसी चीज़ें होनी चाहिए उस हिसाब से। तो लड्डू ने आरती किया, फिर इसके बाद भैया को इतनी सारी इन दोनों ने मिठाइयाँ खा ली थी ना कि शाम होते होते इन लोगों ने मेरा मुँह भी कराया था फैलाया है, बताऊँगी कैसे मूवी में क्या किया इन लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को फूल दिए कि लो एक दूसरे पर छीट लो थोड़ा बहुत। इसके बाद हम लोग पहुँचे गए, मैं बहुत एक्साइटेड थी स्त्री टू देखने के लिए, क्योंकि मैंने स्त्री पार्ट वन जब आया था ना तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बहन हम तीन लोग गए थे देखने के लिए, और इस बार हम दोनों जाएंगे देखने के लिए। बहुत मज़ेदार मूवी थी और हॉल में पूरी हुटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें होती है स्त्री की मूवी के टाइप पे, क्योंकि यार मतलब इतनी बढ़िया इतना कॉमेडी मूवी रहता है ना, मस्त लगता है। तो आप में से किस किस ने देख ली, और मेरा जब आप एक्सपीरियंस जानोगे ना आज की मूवी देखने के बाद तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज थी लास्ट में हुआ क्या मेरे साथ। और ये मैंने अनमोल के आदि वाली राखी बनाई थी, आदि नाम है ना उसका, तो उस नाम से राखी बनाई थी। तो मैंने कहा रात में बनाई हूँ, तो मैंने कहा राखी कहाँ है, तो अनमोल पहले से हाथ में लेके छुपाए हुए था। वो पहले से लेके घूम रहा है। पता है कनिका क्या हुआ ना कि मुहूर्त स्टार्ट होने वाला था, 1:30 बजे से पहले ही सो गई, तो अब अनमोल राखी लेके खुद ही घूम रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड ने अपने अपने हाथ में बांध लिए, तो वो राखी लेके अपने हाथ पे रख के देख रहा था कि कैसा लगेगा। फिर अभी मैं आपको बताऊँ अगले दिन का, तो वो आज तक भी अभी तक एकदम राखी बढ़िया से बांधे हुए, मतलब उसने एक बार भी ये नहीं कहा, वरना वो मूली वोली कुछ नहीं बंधवाता है, बट आज उसने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ मम्मी खोल दो हटा दो। मैंने उसको बस बांधते वक्त एक चीज़ बोली थी कान में कि अनमोल बहन राखी बांध रही है ना, जब तक ये ऐसे टिका रहेगा ना पहने रहना, जब ये खुल जाएगा तो इसको हम पलंग के पाया में बांधेंगे। तो वो उस कान में बिठाए हुए हैं उस बात को। हम लोग ये सारी चीज़ें ना, अभी इसके बाद हमारा एक त्यौहार आता है उस पे हम लोग इसको सारी चीज़ों को ना वो उसमें पाया में जो पलंग का पाया होता है ना उसमें बांध के रखते हैं। आप लोग कैसे करते हो, क्या करते हो बताना ज़रूर। तो एक लाइट वाली राखी थी, तो मैंने कहा चलो एक लड्डू को भी बांध देते हैं, वो भी खुश हो जाएगी, और एक अनमोल को बांध देते हैं। तो अनमोल का तो है ही आज दिन राखी बांधने का, बट लड्डू को भी एक एक्स्ट्रा ले देते हैं। तो अनमोल बोल रहा था कि मम्मी नीचे डॉक्टर ने सुई लगा दिया, ऊपर ऊपर बांधो। तो फिर मैंने उसकी एकदम कलाई पे नीचे नहीं बांधा, थोड़ा ऊपर करके बांधा है, क्योंकि नीचे उसके वो था, दर्द कर रहा होगा शायद से, हाल फिलहाल में तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था इस वजह से। फिर बारी आई थी मिठाई खाने की, और इन दोनों का सबसे फेवरेट पार्ट है मिठाई खाना। और हम लोग आज ध्यान नहीं दिए कि कपड़े रखे हुए थे जस्ट हमारे बगल में कनिका के, वो सब हटाए भी नहीं आए, ऐसे ही बैठ गए जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें बस निकलना था, लेट हो रहा था। हमने गलती ये किया ना कि हम लोग आज मूवी देखने गए, हम लोग रक्षाबंधन वाले दिन ना जाकर के अगले दिन जाते ना, तो ये नहीं होता जो हमारे साथ हुआ। तो चलो हाँ लाइट जला देते हैं इनकी। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, मतलब मेरे वाला रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया या अनमोल कनिका वाले? अनमोल कनिका वाले रक्षाबंधन का मतलब कि साथ में एक दूसरे को राखी वाखी बांध के, रखबंधाई हैंड टू हैंड लेकर के, हाथ में लेकर के रखबंधाई हाथ में लेकर के। अरे लड्डू को हमने रखबंधाई तो कुछ दिया ही नहीं, राखी तो बन गई, लड्डू को रखबंधाई तो दिया ही नहीं। अरे सुनो, लड्डू को रखबंधाई तो दिया ही नहीं है, मैं अभी वीडियो में आवाज़ डाल रही तब ध्यान आया। ये कैसी बहन है, खुश है अपना भी ना रखबंधाई के भी। बताओ मेरे तो दूर है तब मेरे अकाउंट में आ गया था, लेकिन ये हाथ अब मिस हो गया। कोई नहीं, इसके रखबंधाई में मैं मूवी देखा ही। अभी याद आ रहा है मेरे, अरे सुनो उसको मिट्टी रखा बंधाई तो मिला ही नहीं है, आज दे दूँ क्या, अब आज का मुहूर्त कौन सा है, कब दूँ। चलो कोई बात नहीं, रखबंधाई में लड्डू को एक राखी मिल गया है लाइट वाला, बस ध्यान ही नहीं रहा रखबंधाई देने का। क्या देगा ये भाई अभी कमा, लेकिन कमाता है यार हमारा बेटा तो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। अनमोल ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद रखबंधाई नहीं दिया है। अनमोल, अनमोल ऑनलाइन से इतना कमाते हो और तुमने रखबंधाई भी नहीं दिया कनिका को, हैं? क्यों नहीं दिया रखबंधाई? रखबंधाई कुछ काम के लिए, काम की चीज नहीं होती। अरे काम की चीज नहीं होती, अरे वाह, पैसा काम की चीज नहीं होती, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मम्मी मेहनत कर रही है, ये पैसा काम की होती है तभी तो मेहनत करती है बेटा। चलो चलो चलो, कनिका का अकाउंट बना देंगे, तुम भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना, ठीक है?
लड्डू को एक तरफ राखी बांधेगी, एक तरफ लड्डू ऐसे स्कैनर अपना लेके बैठी रहेगी, उसके बाद बोलेगी भैया मेरे बिजनेस अकाउंट में डाल दो है ना। लड्डू का बिजनेस तो स्टार्ट है अभी, अनमोल का बिजनेस एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे ज्वेलरी बिजनेस का नाम नेहानी का है, कनिका के नाम पर ही रखा है हमने, नेहा और कनिका को मिक्स करके। अभी अनमोल की तैयारी बाकी है एंड अपनी मेहनत से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ हमें जो करना है ना वो ये कि हम इतनी मेहनत कर ले कि आने वाला समय हमारे बच्चों का, उनको ये नहीं सोचना पड़े कि यार हमारा हमें ये दिक्कत हो रही है, यार हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो जो चाहें वो कर सके और जो भी चीज़ अच्छी लाइफ में वो अचीव करना चाहे वो सारी चीज़ें वो कर सके। और उसके लिए उसके मम्मी पापा पीछे हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे और जहाँ उनको ज़रूरत होगी, हम लोग सिर्फ वो नहीं है कि मुँह से उनको ऐसे करेंगे कि हाँ बेटा कर हम तो बहुत तेरे साथ है, और लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो गायब हो जाएंगे, वो नहीं है। हम वहाँ साथ खड़े रहेंगे जितना करना होगा उनके साथ, जैसे आज करती हूँ ना मैं, आप लोग बोलते हो ना देखने के बाद कि यार आप ऐसे मेहनत इतना मेहनत कैसे कर लेते हो, हमसे नहीं हो पाता है, कैसे लगे रहते हो। तो एक अंदर ना जुनून है, और जब इनको वहाँ पहुँचाएंगे ना जहाँ पहुँचाने का जुनून है, तो वहाँ हम लोग पीछे खड़े रहेंगे साथ में, पीछे क्या मतलब बराबर पे उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं कि एक लाइफ आने के बाद हम ये सोचें कि यार मिस हो गया, हम अपनी मेहनत से वो भी कर सकते। बहुत लोग कहते हैं ना कि अपने ऊपर मत लो, अपने शरीर को देखते हुए काम करो, बट हम अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं देख रहे और उसके बिना काम करते जा रहे हैं कि उनकी लाइफ एक जगह पर ऐसी होगी ना कि वहाँ हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है और अपने बच्चों को भी वैसी ही लाइफ देनी है जो अभी तक तो हमें वो लाइफ थोड़ी थोड़ी मिलनी स्टार्ट हुई है मेहनत से, अपनी मेहनत से। सबसे गर्व की बात यह है कि हमें अपनी मेहनत से जो चीज़ें मिलनी स्टार्ट हुई है मिल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी ने दिलवा दिया या किसी से खैरात में मिली, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें मेहनत की। तो एक अलग प्राउड होता है, एक अलग गर्व की बात होती है, आप लोग भी कर सकते हो। और मैंने इसीलिए अपना ज्वेलरी बिजनेस का बिल्कुल कोर्स स्टार्ट किया ताकि आप लोग भी बनाओ करो, सबको मौका मिले जो भी है। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे मूवी देखने के लिए, लेकिन पता है यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है तो वो भी अपनी वाइफ के साथ और उनके बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे वो फ्रेंड्स थे तो सब आए हुए थे मूवी देखने के लिए। फिर हमने कहा कि आप कौन सी मूवी देख रहे हो, तो वो दूसरी मूवी का नाम बताया। फिर हमने कहा स्त्री टू तो बहुत अच्छी है, तो वो बोले कि अरे स्त्री टू भी तो हम लोग परसों ही देख के गए। हमने कहा अरे वाह, मतलब कि लोग डेली डेली दो दो दिन पर मूवी देख के जा रहे हैं, और हम स्त्री वन देखे थे और उसके बाद कभी मूवी हॉल नहीं गए, आज जा रहे हैं। मुझे लगता है 6-7 या 8 साल हो गया होगा शायद से, ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब कितने साल पहले आया था स्त्री, जिनको भी पता है बताइएगा ज़रूर। उसी साल हमने मूवी हॉल में मूवी देखी थी, उसके बाद कभी नहीं। और यहाँ भी आए हम लोग, हमारी एंट्री का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी स्टार्ट हो मूवी, बहुत खुश थे। लेकिन मूवी स्टार्ट हुआ और जब हमारा इंटरवल हुआ, फिर हम लोग जब वापस अंदर एंटर हुए और 10 मिनट बाद ही मुश्किल से कॉल आ गया घर से कि मतलब 2 घंटे भी नहीं, हम सोचे कि यार कम से कम 2-3 घंटे तो बच्चे रह ही जाएंगे घर पर, बट 2 घंटे भी नहीं हुआ कि घर से कॉल आ गया कि अनमोल को याद आ रही है मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा, और ये थोड़ा नौटंकी कर रहा था, और मतलब इसको ना बहुत सारी मिठाइयाँ खा रखी थी ना इसने, तो हम लोग भी खिला रहे थे, खाना तो नहीं खाया तो हमने छोड़ दिया, बट वहाँ पे सबने बोला खाने के लिए, तो इसने बोला ना उल्टी आ रहा है नहीं खाऊंगा, तो सबने हमें फोन करना स्टार्ट कर दिया। बार बार फोन आ रहा था, अंदर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, हम लोग कॉल रिसीव कर रहे थे, हम लोग डर गए कि यार क्या हुआ। फिर हम लोग ना मूवी छोड़ दी भागे, हमने कहा कि मूवी तो फिर कल परसों वापस आके देख लेंगे बची खुची, ये है कि डबल पैसा लगेगा और कुछ नहीं, बट हम लोग भागे वहाँ से। और जब बाहर निकल के हमने कॉल किया तो हमें ये बताया गया कि वो तो खेल रहा है, नॉर्मल है। हमने कहा यार थोड़ा बहुत तो सिचुएशन खुद से हैंडल करते तो हमारा पैसा का नुकसान नहीं होता, बट कोई बात नहीं, हम लोग वापस से देख लेंगे आके मूवी। और मेरा मुंह फूल गया था वहाँ से, और मेरे हस्बैंड बार बार मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो बोले कि चलो घर पे सब कुछ ठीक है तो खा के चलते हैं, लेते हुए चलेंगे फिर बच्चों को। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी। फिर वो रेस्टोरेंट में गए तो मैंने नखरा किया कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर बोलते कुछ तो खा लो, मैंने कहा मोमोज खाऊंगी, तो बोलते हैं मोमोज लेके काम माथा पे डाल के ले जाऊंगी, और इतना सारा रोटी भी खा लोगी, सब्जी भी खा लोगी, मोमोज भी खा लोगी। मैंने कहा लो भाई, मतलब आज एकदम लड़ाई करने का प्लान था क्या तुम्हारा।